इस घर की दहलीज तुझे लांघने नहीं दूंगी मैं। भाई पेड़ों में पानी डालना है ना, डालता हूँ मैं, भूला नहीं हूँ। रुक जा पांडू, मैं डालती हूँ। नहीं, मैं ही डालता हूँ, माई गुस्सा होंगी। मैंने कहा ना मैं करती हूँ, जा तू। करेंगी ना? करती हूँ, तू जा। माई ये करेंगी। पांडू तू जा यहाँ से। डालना? हाँ, पानी डालना पेड़ों में। दीदी ये सिर्फ आवाज नहीं, आज तक आपको दी हुई इज्जत है, और यही इज्जत रखकर मैं ये चिंगारी हमेशा के लिए बुझाने आई हूँ। गुस्से में अगर मुझसे कुछ गलत हो गया हो या गलत बोल दिया हो तो मैं आपकी माफी मांगती हूँ। अब ये कौन सा नया नाटक है? नहीं दीदी, मैं सच में पूरे दिल से आपकी माफी मांग रही हूँ। आज तक आपने मुझसे बहुत अच्छा बर्ताव किया है, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। इस घर में अर्णा के साथ मेरा रिश्ता समझने के बाद आपने जो मेरे साथ बर्ताव किया है वो आपकी जगह और कोई भी औरत होती तो यही करती। इसलिए मेरे मन में आपके लिए जरा सी भी नाराजगी नहीं है, ना ही कोई जलन है। बस मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, ये जो कुछ भी हुआ है इसमें क्या भूल सिर्फ मेरी अकेले की है? आपका खामोश रहना ही आपके दिल में चलने वाली हलचल बता रही है। अर्णा नाइक पर मैंने अधिकार जताने की कितनी भी कोशिश की, तब भी मुझसे ज्यादा आप ही उन्हें पहचानती हैं। अर्णा ने क्या क्या किया है ये सब कुछ आप जानती हैं दीदी। आज तक अर्णा की सारी गलतियां आपने दिल में दफन कर दी। इस गांव में अर्णा की दहशत है, उनके बारे में क्या क्या बोला जाता है, उसमें कितना सच है और कितना झूठ है ये आपको अच्छे से पता है दीदी। इस गांव में ऐसी कितनी ही औरतें हैं, पर मैं आगे आई क्योंकि मुझे न्याय चाहिए था, इसलिए मैं आगे आई क्योंकि मुझे आधार चाहिए था, इसलिए मैं आगे आई क्योंकि मुझे मेरा अधिकार चाहिए था दीदी। मैं आगे आई ताकि मेरी सुषमा को पिता का नाम मिले, इसलिए। अर्णा ने उन्हें चाहिए उन चीजों के लिए क्या क्या किया है इसका हिसाब भी है आपके पास दीदी। खुद के स्वार्थ के लिए कितने लोगों की बलि ली है ये भी आपको पता है दीदी। इतना सब कुछ पता होने पर भी इनमें सिर्फ मेरी अकेले की गलती है ऐसा लगता है कि आपको। सच कहूँ तो अर्णा नाइक बहुत किस्मत वाले हैं जो उन्हें आपके जैसी पत्नी मिली है। मैंने बताई हुई हर बात आप जानती हैं, पर उसे आप मानना नहीं चाहती क्योंकि आपके गले में ये मंगलसूत्र और आपका ये स्वाभिमान। पर इसमें मैं क्या करूं दीदी? कितना भी इनकार करूं ना तो भी ये मंगलसूत्र अर्णा के ही नाम का है। दीदी मुझे इस घर में आना है, एक औरत होने के नाते तो आप मेरा दर्द समझ सकती हैं। मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे घर में आने दीजिए। चाहिए तो इस घर में मैं नौकरानी की तरह रह लूंगी, किसी को तकलीफ नहीं दूंगी, पर मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस घर में आने दीजिए दीदी। दीदी एक औरत होने के नाते मेरा दर्द समझ सकती हैं आप। इस घर में आने के लिए बहुत कोशिश की तुमने, पर मुझसे पहले ये घर उनका है, और अगर वो तुम्हें हाथ पकड़कर इस घर में लेकर आए तभी तुम यहाँ रह सकती हो। साहब, 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 अनर्थ होने वाला है, बहुत बड़ा अनर्थ। क्या हुआ नेने साहब? अब तक मैंने उसे टालने की बहुत कोशिश की, पर बैठिए, कंधे पे पानी दो इन्हें। थैंक यू। बोलिए क्या हुआ है? मैंने समझाने की बहुत कोशिश की पर नेने मुझे समझेगा ऐसी भाषा में बताएंगे। पाटणकर भाई अपनी जिंदगी के साथ कुछ बुरा ना कर लें, मुझे ऐसा डर है। क्या? हाँ, वो मेरी बेटी जैसी है, उससे बचा लीजिए साहब, बचा लीजिए। अर्णा, मेरी वजह से इस घर को, आपको, दीदी को कोई भी तकलीफ नहीं होगी। मुझे सिर्फ मेरा हक चाहिए। फैसला आपका होगा। आप इसका हाथ पकड़कर घर में लाए तो जब तक घर के लोगों को तकलीफ नहीं होती तब तक खामोशी से मैं देखते रहूंगी और सहन करते रहूंगी। पता चल गई ना तुझे तेरी जगह। अर्णा, तुमने मुझे मेरी जगह दिखाई, अब मैं तुम्हें तुम्हारी जगह दिखा दूंगी। आज तक तुमने तुम्हारे सारे गुनाह छिपाए होंगे, सब में से छूट गए, पर अब जो होगा उससे तुम फांसी पर लटकोगे, और उसके लिए मेरी जान भी चली जाए तो भी चलेगा, पर तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा मिलनी ही चाहिए। जान देने वाली है ना? दे, दे जान। तेरे जान की कोई कीमत नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अंदर, दरवाजे खिड़कियां बंद कर लो। हमें जो चाहिए वही होगा। तुम अन्ना को मैं फांसी लगा लूंगी ऐसी धमकी दो। तुम्हें जो चाहिए कबूलवा लो उससे। अर्णा, जान दे दूंगी मैं। ये मात्र एक नाटक है, अन्ना को हंसाने के लिए। शंकर, उस पेड़ की डाली पर एक निशान लगा देना। निशान लगाई हुई डाली किसी को पता ना चले, ऐसे काट के रख देना। अजी, वो करमचली बाहर है, शायद जान देने की धमकी दे रही थी। अजी, उसने अपनी जान का कुछ भला बुरा कर लिया तो? अजी देखिए, आज तक इस घर में जो हुआ सो हुआ, बहुत कलम लगाई गई, बहुत पाप किए गए, पर इस औरत की मौत मेरे घर के आंगन में नहीं होनी चाहिए। उसे जो चाहिए ना मैं उसे दे देती हूँ, उसे गहने चाहिए ना मैं देती हूँ, पैसे चाहिए ना वो भी दे देती हूँ, पर इस औरत को यहाँ से जाने के लिए कहिए। वो जानवान देने वाली नहीं है, सिर्फ खोखली धमकी दे रही है। और जान दे दी तो उसके बदन पर जो गहने हैं वो निकाल लेना, इस घर के ही हैं वो। हाँ, हाँ। आइए पाटनकर भाभी, आइए हमारे पास आइए। तेरी वजह से मैं यहाँ आई हूँ, अब तू भी आ जा। आओ आओ। क्यों भरोसा किया तूने सेठ पर? पाटनकर भाई आइए आइए। माई माई कोई गलती नहीं है। नेने भाई साहब, भाभी बहुत बुरा हुआ है ये। भाई साहब, इनकी कोई गलती नहीं है, वो औरत ही इस घर में घुसना चाहती थी, उन्हें क्या क्या तकलीफ दी मैं क्या बताऊं आपको। हाथ जोड़ती हूँ मैं, इन्हें इस सबसे बाहर निकालो भाई साहब। आप तो जानते थे ना वो औरत कैसी थी, बताइए पुलिस वालों को। उसकी वजह से इस घर ने क्या क्या सहन किया है, अब इस घर पर कुछ बला नहीं आनी चाहिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ। चल अंदर, अंदर जा। अरे क्या देख रहे हैं, हो गया खेल खत्म। इसकी तेरवी का कोई खाना खिलाता है तो ढूंढ लो, निकलो। इनको बताओ कि वो अपने कर्मों से मरी है, बता दे। रुकिए आना नाइक, ठीक है, आप जैसा बोल रहे हैं हम वैसा ही समझते हैं। अटन कर भाई अपने कर्मों से गई। और उसने फांसी कहां लगाई? अन्ना नाइक के घर के आगे। अब ये ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए जिम्मेदार कौन? ये सब खोजने की जिम्मेदारी अब हमारी। अब हर एक के कर्म तो पता चलेंगे ही, और हर एक के कर्मों के अनुसार न्याय भी किया जाएगा। अन्ना नाइक, ये जब हुआ तो कौन कौन था घर में? ये जब हुआ तो कौन कौन था घर में? नाना, इस घर के भगवान को जितना मैं संभाल सकती थी उतना संभाला है। इस घर को टिकाने के लिए जितना कर सकती थी किया, पर इस घर के पाप फिर कर वापस आएंगे, मैं नहीं बचा पाऊंगी। इन्होंने किए हुए पाप देखे मैंने और मैं खामोश रही, और अब वही गलती मुझ पर भारी पड़ रही है। नाना, इनको आज तक नेने भाई साहब बचाते आए हैं, पर आज उनकी नजर में भी विश्वास नहीं दिखाई दिया। वो भी लाचार हो गए थे। हे भगवान रमणनाथ, क्या दिन आए हैं ये। नाना, नानो, बाहर पुलिस वाले ने घेराव किया है। क्या करूं मैं, क्या करूं? भगवान रमणनाथ, कुलस्वामिनी, अब आप ही का सहारा है, आप ही का सहारा है, और कोई कुछ नहीं कर सकता। नानो, सब कुछ खत्म हो गया। नाना, सब कुछ खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। हेलो के मैडम, अंदर जाइए और इंदुमती नाइक को लेकर आइए। क्या चल रही है, हा? मेरी इजाजत के बगैर मेरे बाड़े में कैसे जा सकती हो? नीचे बाहर। इंस्पेक्टर, ये सब आपको भारी पड़ेगा। नेने साहब, आपके दोस्त को समझाइए, उनको दोस्त की हैसियत से समझाइए या वकील की हैसियत से समझाइए। और अगर वो समझना ही नहीं चाहते तो हमें कानून की भाषा में समझाना पड़ेगा। हमें हमारा काम करने दो। अन्ना, सालूम के मैडम, पोते के जन्म की खुशी भी नहीं मनाने दी। उस कर्मजली ने सब कुछ छीन लिया, सब कुछ छीन लिया उसने। चलिए, क्या हुआ? पता चल जाएगा, चलिए। नाना, 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 अजी, अजय ऐसा क्यों कर रही है आप? अजय ऐसा क्यों कर रही है आप? सुन बेटा ऐसा क्यों कर रही है आप? हो जाएगी नहीं यहाँ से, यही रहेगी वो। अजय छोड़िए मुझे। अजय क्या कर रही है ये आप? उस औरत की वजह से हमें क्यों तकलीफ? वो अपनी मौत से मरी और आप लोग हमारी जान क्यों ले रहे हैं? रोक, क्या ये सब? अन्ना नाइक, आपकी और आपकी पत्नी की उपस्थिति में पाटनकर बाई ने खुद को फांसी लगा दी। आपको पुलिस स्टेशन में आना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता। अन्ना नाइक की पत्नी का हाथ पकड़कर पुलिस स्टेशन में कैसे ले जा सकते हो? हा? अन्ना नाइक, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है ये हमको अच्छे से पता है। हमारे कर्तव्य और हमारी जिम्मेदारी हमें अच्छे से समझते हैं। चलिए। अजय मैं पैर पड़ती हूँ आपकी। उसको जान देनी थी तो उसने दे दी। उसकी जिद की वजह से ही ये सब हुआ। जाते जाते भी वो कर्म चली है, हमारे घर को संकट में डाल गई। हमारी कुछ भी गलती नहीं है जी। गलती किसकी है ये जल्द ही पता चल जाएगा। भाई साहब आप तो बताइए इनको। भाई साहब आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे? वो औरत कैसी थी आप तो जानते थे ना। अजी इस घर में आकर उसे सब कुछ हथियाना था, लूट लेना था। करमजली जाते जाते भी परेशान कर गई रे तू। तुझे कभी भी शांति नहीं मिलेगी रे, नहीं मिलेगी शांति। ए चुप कर। नेने, अन्ना, तुम चलो आगे, मैं देखता हूँ इससे कोई रास्ता निकलता है या नहीं। पर अब इसका विरोध करना बंद करो और हाँ, भाभी को संभालना। सालुंके मैडम साहब मैं पैर पड़ती हूँ आपके। इस घर की बहू की जचकी हुई है, पोते का मुंह भी नहीं देखा मैंने। करमजली ये क्या कर दिया इस घर का? पोते के जन्म की खुशियाँ भी नहीं मनाने दी। चलिए सालुंके मैडम, इंदुमती नाइक को लेकर आओ। भाई साहब जरा रुकिए। नाथा, नाथा इधर आ रे बाबा। क्या हुआ माई? ये देख, ये सब दत्ता को बताना। हाँ। पर दत्ता को बोल इस सरिता को कुछ मत बताना। माई आपको कहाँ ले जा रहे हैं? पांडु हम जाकर आते हैं। हाँ हाँ, घर की तरफ ध्यान देना। हाँ। नाना के साथ बैठ। हाँ, उससे बात भी करना। हाँ बैठूंगा बैठूंगा। हाँ हम जाकर आते। ध्यान रखना घर का। हाँ, हाँ, अच्छे से जाना। हाँ। आएंगी माई, आएंगी अन्ना, आएंगे माई, आएंगी अन्ना, आएंगे आएंगे। मैं बैठूंगा। वो यहाँ से नहीं जाएगी। यही रहेगी। वो अंदर आना चाह रही है, देख रही है, वो आएगी आएंगी आएंगी, माई आएंगी, अन्ना आएंगे। लेकर गए ना उनको, गाड़ी में लेकर गए हैं, गाड़ी में। हाँ, औरत नहीं गई है यहाँ से, दरवाजे में खड़ी है, अंदर आएगी। कौन? वो अंदर आना चाहती है, अंदर आना चाहती है। नहीं आएगी, नहीं आएगी, माई ने मुझे बताया है ना, नहीं किसी को आने देगी। हाँ, आ रही है, आ रही है, आएगी, अंदर आएगी। आ रही है, आ रही है, आ रही है। नहीं, नहीं आएगी। वो औरत कहीं जाएगी यहाँ से, यहीं पर रहना चाहती है या अंदर आना चाहती है। आखिरकार पाप का घड़ा भर ही गया। बच्चे के साथ जो जो किया है ना इसने, वो सब इनको भुगतना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता हाँ कि अन्ना छूटकर वापस आएंगे। सही बात की है, पर कुछ भी कहो, इस अन्ना की वजह से ना इंदु भाभी को बेकार में तकलीफ हुई। सही कहा रे, चल चलो। एक मिनट अन्ना नाइक, आप बैठिए। बैठ। अच्छा तो बताइए क्या हुआ था? वो क्या? एक मिनट आना नहीं, उन्हें बोलने दीजिए। बोलिए। साहब, मुझ पर यकीन करिए, वो औरत हमें बहुत तकलीफ देती थी। क्या क्या बोलकर हमारे घर में घुसना चाहती थी, इनको जाल में फंसाकर लूटना। बोलिए बोलिए, आगे बोलिए। सब कुछ लूटना चाहती थी अजी। उसको गहने, पैसे, सब कुछ चाहिए था। उसके गले में जो गहने थे ना, वो इनसे ही लिए थे उसने। जो औरत अपने पति से ईमानदार नहीं थी, वो तो वो औरत कैसी होगी, इसका विचार कीजिए। इनकी सिर्फ इतनी ही गलती थी कि इन्होंने उस पर यकीन किया, पर सारे दाव पेच उसके ही थे। हाँ, और कल इन्होंने इनकार किया तो उसने ऐसा किया। इंदुमती नाइक, रोइए मत। सालू के मैडम, इनको पानी दो। पीछे पानी पीछे। अच्छा, अटनकर बाई पहले कहीं और रहती थी, सही है ना? इंदु, पी लिया पानी, रख दे। हाँ, तो मैंने पूछा था कि पाटनकर बाई पहले दूसरी जगह रहती थी, बराबर है ना? तो बाद में आपके घर के पास कैसे रहने आई? ये सवाल आपको पाटनकर बाई से पूछना चाहिए था। अन्ना नहीं, आपका भी उनके घर में आना जाना था। हमने भी आपको एक दो बार देखा है उनके घर में, तब पाटनकर घर में नहीं थे, बराबर? और इनका ऐसा कहना है कि आपको उन्होंने जाल में फंसाया था, पर अन्ना नाई की दहशत देखते हुए लगता नहीं कि कोई इतनी आसानी से जाल में फंसा सकता है। बराबर ना? उसके बाद आपसे उन्होंने पैसे लिए, गहने लिए, आपके घर के आगे रहने आई। इतना ही नहीं, उन्होंने आपके घर पर हक भी जताया था। इन सब के लिए अन्ना आप भी जिम्मेदार हो। साहब क्या बात कर रहे हैं आप? माफ कीजिए, मैं पूछताछ के बीच में ही आ गया। पाटणकर बाई ने बाड़े के सामने फांसी लगा ली। पाटणकर बाई की मौत के लिए अन्ना जवाबदार है, ऐसा आप डायरेक्ट इल्जाम नहीं लगा सकते। अभी तक कोई छोटा सा सबूत भी नहीं मिला, मौत के बारे में कोई सादी चिट्ठी भी नहीं। पर ऐसी कोई विचित्र घटना होगी इस बात की मुझे शंका थी, और इसलिए पाटणकर बाई की जान बच जाए इसलिए आपके पास मदद मांगने आया था। पर इसमें इनका कोई दोष नहीं है। अरे भाभी की तरफ देखिए, इस मैया ने उस औरत के लिए क्या क्या नहीं किया। उसकी सभी गलतियों को माफ करके पाटणकर बाई को मानवता की नजर से ही देखा है। उनकी आंखों में आपको गुनाह नजर आ रहा है, उनकी आंखों में बदला नहीं है, यातना है, यातना। मैं तफ्तीश के बीच में आना नहीं चाहता, कायदा मैं भी जानता हूं, पर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। सर, मृत व्यक्ति की साड़ी, उसके गहने, मंगलसूत्र और मृतक के पास ये चिट्ठी मिली। के मैडम, वो सब यहां ले आइए। मैं कुमुदिनी पाटणकर, मुझे मेरे पति से बेहद प्यार था, पर अचानक उनके चले जाने से मेरी हिम्मत टूट गई है। उनके जाने के बाद आर्थिक संकट आया और मुझे अकेली से यह सब संभाला नहीं गया। जिंदगी से तंग आ गई हूं। अन्ना ने बहुत किया मेरे लिए, और कितना हाथ फैलाती। मेरी बच्ची के नसीब में जो लिखा है वो होगा, पर मेरे मौत का जिम्मेदार किसी को न समझे। मेरे गहनों का इस्तेमाल मेरी बच्ची की पढ़ाई के लिए और उसके भविष्य के लिए किया जाए। इंदू दीदी से कहना मेरी बच्ची का वो एक आई की तरह ख्याल रखे। कुमुदिनी कमलाकर पाटणकर। साहब, मुझे लगता है पाटणकर बाई की आत्महत्या के पीछे अन्ना नाइक जवाबदार नहीं है। बचाने का सोच लिया तो कुछ भी बचा सकते हैं। कुछ भी कहो, वो औरत थी तो होशियार। हाँ, पर आखिर में अपनी जिंदगी से तंग आ ही गई ना बेचारी। अन्ना नाइक से दुश्मनी मोल लेना आसान नहीं है नेने। वो तो है। सच कहूं अन्ना, मैं तो उपवास रखने का सोच रहा हूँ। उपवास? विशेष क्या है? जो हुआ वो कम खुशी की बात थी, सब ठीक होगा। अन्ना के पीछे की पनौती चली गई। सच कहूं तो हमें भगवान का अभिषेक करना चाहिए। अन्ना, आखिर में मुझे चिंता होने लगी। वो औरत तुम्हारे घर में घुसे बिना शांत नहीं बैठी। नसीब अच्छा नहीं था उसका। गहने वापस मिल गए, जमीन भी बच गई, लेकिन जिंदगी नहीं बची। सच में हम ऊपर जाते समय अपने साथ में कुछ लेकर नहीं जाते। यही सत्य है। मैंने तुम्हारी होशियारी की दाद देनी पड़ेगी। अरे दोस्त के लिए कुछ भी करूंगा। क्या चाहिए तुम्हें? अन्ना, दोस्ती में तुम व्यवहार ला रहे हो। तोहफा दे रहा हूँ तुम्हें। जो चाहिए वो मैं बराबर मांग लूंगा। और तुम मुझे ना थोड़ी कहोगे। नहीं। पर अन्ना, अब तुम्हें सूतक लगा है ना? मुझे कैसे सूतक लगेगा? कैसा सूतक मतलब? पाटनकर भाई तुम्हारे गोत्र में आ चुकी थी, तुमने शादी की थी, भूल गए क्या? उसका सूतक पालना पड़ेगा। लगे पहली औरत मरी ना तो उसका भी सूतक नहीं पालूंगा मैं। आपके और आपके पत्नी की उपस्थिति में पाटनकर भाई ने खुद को फांसी लगा ली। आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। आपसे उन्होंने पैसे लिए, गहने आपके घर के आगे रहने आए। इतना ही नहीं, उन्होंने आपके घर पर हक भी जताया था। इन सब के लिए अन्ना आप भी जिम्मेदार हो। अभी बाबा कहाँ है? क्या पता, मुझसे कहा तुम जाओ और चले गए। और कहाँ जाएंगे? मुझे डर था कि ऐसा ही कुछ होगा। और घर पे भी कोई नहीं था। हम लोग होते तो कुछ ना कुछ कर लेते। कुछ नहीं कर पाते। जो होना था वो होकर रहता। हम किसी की भी मृत्यु नहीं रोक पाते। पर आई, तुम्हारा ऐसा पुलिस स्टेशन जाना वो मेरी किस्मत में ही लिखा था। पर तुम्हारी क्या गलती है? तुम्हें क्यों इसकी सजा मिले? अरे बाबा, उसकी चिट्ठी मिल गई इसलिए छूट गए हम, वरना कोर्ट में केस लग गई होती। ऐसा कुछ हुआ नहीं, ये अपना नसीब है। उस औरत से पीछा छूटा, ये हमारे लिए अच्छा ही हुआ। अच्छा, बाबू कैसा है? अभी तक रो रहा है। डॉक्टर आके देख कर गए। क्या कहा डॉक्टर ने? वो तो कह रहे कि सब ठीक है, बीमारी तो कुछ नहीं है। तो क्या हुआ? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वक्त ही गलत था कहना पड़ेगा। यहाँ इतना सब कुछ हो रहा था, उतने में बाबू का जन्म हुआ। नियति के मन में क्या है किसे पता। उस औरत की परछाई मेरे घर पर, मेरे बाल बच्चों पर ना पड़े। नाथा, अरे बहुत हुआ। देखती हूँ। अरे नाथा, और कितनी देर? कहाँ गया ये? कीचड़ के पैर लेकर अंदर क्यों आ गया? फर्श गंदा हो गया ना। नाथा, रे नाथा। क्या हुआ माई? हाँ, अरे कीचड़ के पैर लेकर अंदर क्यों आया? नहीं, मैं नहीं गया, मैं पिछले दरवाजे था। तू नहीं तो क्या हुआ माई? हाँ, नहीं कुछ नहीं, जा तू। तो जैसे रहूंगी, मुझे सिर्फ इस घर में एक कमरा दे दीजिए, बड़ी रहूंगी मैं वहां। देख लेना। मेरा सिंदूर पोछा ना, अब इस माथे पर कुमकुम लगाकर इस घर में ना रहने आऊं ना तो नाम शेवंता नहीं मेरा। तो अन्ना अब कहाँ की मुहिम है? कहीं नहीं, घर जाके सो जाऊंगा आराम से। तुम्हें अब आराम की ही जरूरत है। और नहीं तो क्या, मन को शांति मिल गई, अब जान को भी मिल जाएगी। अन्ना ये लो। ये क्या है? अन्ना हम सब मजाक में लेते हैं। पाटनकर भाई गई इस बात की जितनी खुशी है उतनी ही चिंता भी बढ़ाने वाली है। संभाल कर रहना होगा। तुम उसे अपनी पत्नी नहीं मानते थे, फिर भी वो सुहागन मरी है। इसलिए ये धागा लो और इसे हाथ में बांधो। ये ले। अरे ऐसे कितनों के सर पर नाचा हूं मैं। अन्ना नाइक को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता है, समझा क्या? चलता हूं मैं, तुम लोगों का चलने दो। मैंने हमें कुछ चीजें पालनी होंगी वरना सब अनर्थ हो सकता है। अर्णा? हाँ?